एसएम न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जंतर मंतर संसद मार्ग पर तिब्बत की आज़ादी, भारत की सुरक्षा को लेकर हमारे बीच में बहुत ही सुलझे हुए और सीनियर जर्नलिस्ट विजय क्रांति जी, जो चीन और भारत और तिब्बत पर ही बात करते हैं। आइए हम उनसे जानकारी लेते हैं ये समस्या का समाधान कैसे होगा। सर, एसएम न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार सर, ये आज जो ये इनका जो सुरक्षा का लेके चीन का और भारत और तिब्बत का ये चल रहा है, सर आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं और चीन और तिब्बत के ही मामले में आप स्पेशलिस्ट हैं, सर आप क्या कहेंगे? देखिए, आज ये जो प्रदर्शन हो रहा है ये तिब्बती युवा कांग्रेस की तरफ से है, टिबेटन यूथ कांग्रेस की तरफ से, जो तिब्बती शरणार्थी समाज का सबसे बड़ा संगठन है। इनकी मुख्य मांग ये है कि तिब्बत पर जो चीन ने कब्जा किया हुआ है 1951 से, वो दुनिया तिब्बत का सहयोग दे ताकि चीन जो है वहाँ से वापस जाए और तिब्बत वापस फिर से एक आज़ाद देश के रूप में खड़ा हो सके। यहाँ बहुत सारे लोग भारतीय भी हैं जो तिब्बत के समर्थक हैं। उनका इस समर्थन के पीछे मुख्य कारण ये है कि तिब्बत ने जब से चाइना ने तिब्बत पर कब्ज़ा किया है 1951 से, तब से चीन जो है वो भारत की सीमा पर आ गया है। क्योंकि इससे पहले जो हमारी 4000 किलोमीटर लंबी सीमा थी वो भारत तिब्बत सीमा थी, लेकिन जो ही चाइना ने तिब्बत पर कब्ज़ा किया तब ये सीमा अचानक रातों रात भारत चीन सीमा बन गई। और तब से चीन जो है वो ना उसने सिर्फ तिब्बत पर कब्ज़ा किया है बल्कि तिब्बत की ज़मीन का इस्तेमाल करके वो आए दिन हमारे लिए परेशानी करता है, कभी लद्दाख में, कभी हिमाचल में, कभी सिक्किम में और कभी अरुणाचल में। तो यहाँ जो भारतीय समर्थक हैं उनका कहना ये है कि जब तक भारत तिब्बत की सीमा पर दूसरी तरफ चीन रहेगा तब तक भारत सुरक्षित नहीं रह सकता। इसलिए जो आम भारतीय है वो ये चाहता है कि तिब्बत पर चीन का जो गैरकानूनी कब्ज़ा है वो ख़त्म हो, तिब्बत फिर से आज़ाद हो और भारत तिब्बत सीमा जो है वो पहले की तरह दुनिया में जो सबसे शांत सीमाओं में से थी वो बन सके। सर, अभी कुछ हमारे जो भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने कहा कि भी चीन से व्यापार बंद करो और जो चीन से सामान आ रहा है उसे बंद करना चाहिए, उसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन सर, जब बॉर्डर से जो सामान आता है वो आम पब्लिक का तो लेन देन नहीं है, व्यापार नहीं है? देखिए, जो व्यापार इस वक्त भारत और चीन के बीच में हो रहा है वो बहुत एक पक्षीय व्यापार है। उसमें तकरीबन 50 अरब का जो व्यापार है वो भारतीय व्यापार का घाटा है। यानी चीन जो भारत को बेचता है सामान वो बहुत ज़्यादा है, भारत जो चीन को भेजता है वो बहुत कम है। चीन से जो भी चीज़ें भारत में आती हैं वो सारी उत्पादित चीज़ें हैं, वो प्रोडक्ट्स हैं, और भारत से जो कुछ जो थोड़ा बहुत जाता है वो सिर्फ कच्चा माल है। वो भले आयरन ओर हो या दूसरी चीज़ें हो, वो कच्चा माल है। यानी जिसका मतलब ये हुआ कि जब भारतीय आम भारतीय चीन का माल खरीदता है, भले ही आप मोबाइल खरीदें, भले ही आप खिलौने खरीदें, नतीजा ये होता है कि जब आप चीन का खिलौना खरीदते हैं तो उसका मतलब है कि जो भारतीय खिलौने वाला है आपने उसका व्यापार छीन लिया, उसकी फैक्ट्री बंद हो गई। ऐसी हजारों हजारों फैक्ट्रियां हैं जो पिछले कई साल में बंद हो चुकी हैं क्योंकि चीन के सस्ते खिलौने आते हैं। तो नतीजा क्या होता है कि हमारा पैसा ना सिर्फ चीन को जाता है बल्कि उसकी वजह से हमारे यहाँ बेरोज़गारी बढ़ रही है, हमारे जो उद्योगपति हैं उनका धंधा चौपट हो रहा है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि चीन के पास जब हमारा पैसा जाता है तो वो किसी अच्छे काम में इस्तेमाल नहीं होता। जो भारतीय जो उपभोक्ता है, जब हम पैसा देते हैं चीनी माल के लिए वो वहाँ पहुँचता है तो चीन की जो ज़्यादातर कंपनियाँ हैं वो सरकारी हैं, तो वो जो पैसा है वो सरकारी खजाने में उसका बहुत बड़ा हिस्सा जाता है। चीन सरकार उसका इस्तेमाल अपनी फ़ौज के लिए करती है, पुलिस के लिए करती है, और जो भारत के हितों को नुकसान पहुंचाने वाले टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, अभी भी आप देखिए असम का जो 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 परेश बरुआ है वो चीन में बैठे हुए हैं, जो नॉर्थ ईस्ट की जो स्टेट्स हैं उनके आतंकवादी गुट जितने भी हैं उनको सबको चीन पैसा भी देता है, हथियार भी देता है, शरण भी देता है, ट्रेनिंग भी देता है। तो यहाँ फिर वही बात आ जाती है कि वो कहाँ, ये ट्रेनिंग कैंप कहाँ है? वो हमारी सीमा के पार तिब्बत में है। यानी तिब्बत गुलाम है, चीन उसका इस्तेमाल कर रहा है और भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है।
यही कारण है कि जब तिब्बत के तिब्बत की जनता अपने देश की आज़ादी की मांग मानती है तो हमें भारतीयों को लगता है कि ये हमारे भी हित में है। तो यही वजह है कि भारत में तिब्बत की जनता को, दलाई लामा को और तिब्बतन यूथ कांग्रेस जैसी संस्थाओं को खूब समर्थन मिलता है। सर, आप जर्नलिस्ट और बहुत ही अच्छी आपने बात कही सर, इससे ये बातचीत से मसला हल हो सकता है क्या? नहीं, बातचीत, हमें युद्ध नहीं करना है चीन से, हमारे भी हित में नहीं है युद्ध करना, क्योंकि हम इस वक्त जो तरक्की के जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं, युद्ध से वो रुकता है। हमें और शक्तिशाली बनना है, उसके लिए हमें भी खूब समय चाहिए। तो इसलिए हमें अपन युद्ध की तरफ ध्यान देने की, यानी युद्ध को प्रोत्साहित करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चीन के आगे हथियार डालने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बार बार वो आंखें दिखाता है। चीन की आदत है आंखें दिखाने की। चीन को सिर्फ वही भाषा समझ में आती है जो हिम्मत की हो, जो आत्मसम्मान की हो और ताकत वाली भाषा हो। उस तब भाषा के साथ हमें बात करनी चाहिए, चीन को समझ में आएगा। धन्यवाद सर।